नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम देखिए आपको एक मकान दिखा रहे हैं जो कि 1100 स्क्वायर फीट का मकान है, वेस्ट फेसिंग का मकान है। और इसके अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये जानकीपुरम में शुक्ला चौराहे के पास में चर्च रोड पर ये मकान स्थित है। और काफ़ी अच्छा रेडी टू मूव मकान है। इसको अगर आप लेके रहना चाहते हैं तो तुरंत रह भी सकते हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। अगर आप सामने की रोड की बात करेंगे तो 25 फीट की रोड है, उसमें से एक मकान जो है आपका कॉर्नर का है और एक मकान जो है दूसरी तरफ का है। तो अभी आप देखिए बैक साइड में देख भी रहे होंगे मकान को। जैसा कि देखिए अभी आप ये मकान देख रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन मकान का ये है। और अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो फ्रंट जो है इसका 20 फीट का है, गहरान जो है 50 फीट की है। और अगर हम फेसिंग की बात करते हैं तो ये वेस्ट फेसिंग का मकान है। और सामने की रोड आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ये 25 फीट की सामने रोड ये जा रही है। और इसी तरह से एक जो ये सामने रोड जा रही है वो भी आपकी 25 फीट की है। और ये वेस्ट फेसिंग का है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत मकान बना है। और अभी हम आपको और भी दिखा देते हैं कि ये जो एक यूनिट है आपकी कॉर्नर की यूनिट है और एक नॉर्मल यूनिट है, उसके बगल में एक प्लॉट है। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको ये नहर रोड सामने दिख जाएगी। और इसी तरह से आप इधर अगर आप आएंगे तो जो ये चर्च रोड है, आपने देखा होगा कई लोगों ने, तो चर्च रोड आपकी ये पड़ती है। और आसपास की अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो आप लोकेशन भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे मकान ऑलरेडी साले पहरे से बने हुए हैं। तो अब आइए हम आपको लेके चलते हैं मकान के अंदर, और मकान की जो खूबसूरती है, जो डायमेंशंस हैं, वो सब चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आप जब एंट्री करेंगे तो आपका बढ़िया सा पोर्च स्पेस, आपको ये लॉन मिल जाएगा, तो जिसमें आपकी बढ़िया गाड़ी आपकी पार्क हो सकती है। एंट्रेंस के लिए एक ये आपका दरवाज़ा दिया हुआ है और एक एंट्रेंस के लिए आपका इधर से दरवाज़ा दिया हुआ है। और साथ ही साथ एक आपका लॉन स्पेस यहाँ छोड़ के रखा हुआ है जिसमें कि आपकी बाइक आराम से ये खड़ी हो सकती है। और आसपास की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पर, और लाइट की सुविधा है पूरी, इंटरलॉकिंग रोड है, तो काफ़ी सब चीज़ें अच्छी हैं। तो ये जो है आपका पूरा अंदर पोर्च का स्पेस हो गया। काफ़ी बड़ी आप गाड़ी अगर स्पेस यहाँ खड़ी करने चाहेंगे तो खड़ी आपकी ये हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं हम पोर्च स्पेस से। इसमें आप जो पोर्च देख रहे हैं, पोर्च से जब आप एंट्री करेंगे तो ये आपका ड्राइंग रूम मिल जाएगा। तो इस ड्राइंग रूम में अगर आप देखना चाहेंगे तो काफ़ी अच्छा फॉर सीलिंग का वर्क किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फॉर सीलिंग के साथ में यहाँ पर आपका टेक्सचर पेंट भी इसमें किया है। और ये आप विंडो जो देख रहे हैं, विंडो लगी हुई है काफ़ी अच्छे स्पेस में पूरी। एंट्री के लिए ये आपका ये डोर हो गया और फॉर सीलिंग आप ये देख सकते हैं। तो आप जब यहाँ से एंट्री करेंगे तो एक आपको डाइनिंग स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, जो कि अच्छा डाइनिंग स्पेस है। और अगर हम ये मॉडुलर किचन देखेंगे तो मॉडुलर किचन की खूबसूरती भी काफ़ी अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। मॉडुलर किचन जो आप देख रहे हैं हमने बनाया है, काफ़ी अच्छा मॉडुलर किचन है। और इसी से सामने आपका पोर्च का स्पेस है पूरा। तो यहाँ से आप एंट्री करने के बाद में जब यहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर दिया है OTS का। जालीदार हमने एक यहाँ पर लगा के रखा है पार्टीशन टाइप का, तो भी काफ़ी अच्छी। और अगर आप यहां से एंट्री करेंगे तो आपका एक ये रूम का स्पेस है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसमें कि जो लेटेस्ट वीडियोस आते रहते हैं वो हम आपको दिखा सकें। साथ ही साथ देखिए एक OTS आप ऊपर देख रहे हैं, एक ये OTS है, ये देख सकते हैं।
और अगर आप एंट्री करते हैं इस रूम में, तो रूम में एक वार्डरोब पूरा बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और एक साइड में टेक्सचर पेंट किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा मकान कंप्लीट हो गया है पूरा बनके, ये आप देख सकते हैं पूरा जो देख रहे हैं। और इसी रूम से एक अटैच आपका OTS भी है, ये आप देख सकते हैं, इसी रूम से अटैच है एक आपका OTS, और OTS से अटैच दोनों तरफ आपके खिड़कियां हैं, और ऊपर टीन शेड भी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और आप इसी जब साइड से बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉयलेट मिल जाता है, इंडियन, एक इंडियन टॉयलेट है आपका यहाँ पर, और एक गैलरी टाइप की यहाँ से आपकी हो गई स्पेस अंदर के लिए। यहाँ पर जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद में ये आपको फॉर सीलिंग मिल जाती है, ये जो अंदर की तरफ में ये आपका कमरा है। इसकी हम आपको कॉस्ट बता देते हैं, 55 लाख रुपये इसकी कॉस्ट है 1100 स्क्वायर फिट का, और रेडी टू मूव मकान है 20x55 का। यहाँ पर एक आपका टॉयलेट और दिया है, और इसी रूम में आपकी वार्डरोब भी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो मकान काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कंप्लीट रेडी टू मूव कंडीशन में है, तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और इसको अगर आप फाइनेंस कराएंगे तो आपका फाइनेंस भी इजली हो जाएगा। और जो इस वाले टॉयलेट में दिया हुआ है आपका वेस्टर्न, इसमें टॉयलेट है, और स्पेस काफ़ी अच्छा है। लोकेशन वाइज अगर हम इसकी बात करते हैं तो लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर, और ऊपर का भी हम आपको नज़ारा दिखाते हैं आसपास की लोकेशन का। जैसा कि देखिए अभी आप ये मकान देख रहे थे, बैक साइड में काफ़ी सुंदर बना हुआ है, और अभी इसमें देखिए स्टील की रेलिंग, सब चीज़ें पूरे मकान में काम कंप्लीट हो चुका है, और इसको आप लेके अगर रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्पेस है। लोकेशन वाइज अगर हम इसकी बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी है, और वेस्ट फेसिंग का काफ़ी अच्छा मकान बना हुआ है। तो इसको आप फाइनेंस कराएंगे, लोन कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आप स्टेयर्स देख रहे हैं, जो यहाँ से स्टेयर्स आ गई हैं, और ये स्पेस आपका हो गया पूरा स्टोर रखने के लिए। और आसपास की आप लोकेशन देखना चाहें तो आप लोकेशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। सामने की आप रोड देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंटरलॉकिंग रोड है पूरी, लाइट लगी हुई है पूरी सब चीज़ें, और फैमिलीज़ करंट टाइम में पूरी आपकी रहती हैं। ये देखिए बैक साइड का स्पेस है, इसमें टीन शेड डाल दिए हैं दोनों हर तरफ, तो पानी इसमें कोई नहीं जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको मकान पसंद आया होगा, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, और विज़िट करने के लिए आपका नंबर देखिए स्क्रीन पे आपका रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, आप हमको डायरेक्टली कॉल करें, संपर्क करें, हम आपके मकान की विज़िट करा देंगे। काफ़ी अच्छे मकान बने हैं, तो कोई इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं है मकान के साथ में, और ले के तुरंत आप इसको रह भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।